हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मरीन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में कैरियर कैसे बना सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग एक ऐसा विषय है जिसके बारे में आजकल के युवाओं की बहुत अधिक रुचि पाई जाती है। वास्तव में खुले आसमान में उड़ते हुए हवाई जहाज़ों को देखकर किसी भी विद्यार्थी को स्वाभाविक रूप से जिज्ञासा हो जाती है कि काश वह भी इन विमानों से अपना संबंध जोड़ पाता। वास्तव में वैमानिकी या विमान से संबंधित इंजीनियरिंग एक बहुत ही आकर्षक विषय है, लेकिन इसमें प्रवेश पाना इतना सरल नहीं है जितना दिखता है। किंतु यदि आप होनहार हैं, मेहनती हैं तथा प्रतिस्पर्धा में सफलता पाने की क्षमता रखते हैं तो फिर इस क्षेत्र में आपको अधिक समस्या नहीं होगी। एरोनॉटिक्स में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग तथा एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर्स लाइसेंस, जिसे कि AME लाइसेंस भी कहते हैं, दो अलग अलग क्षेत्र हैं और इन्हें प्राप्त करने के तरीके भी बिल्कुल अलग अलग हैं। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग मुख्यतः हवाई जहाज, रॉकेट, स्पेसक्राफ्ट और मिसाइल आदि के निर्माण, डिजाइन, विकास तथा अनुसंधान आदि के संदर्भ में होता है। यह एक उच्च तकनीकी वाला विषय है तथा इसके अंतर्गत BTech, MTech तथा PhD आदि की जा सकती है। दूसरी तरफ एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर्स लाइसेंस एक प्रकार का लाइसेंस होता है जो भारत सरकार के महानिदेशक डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA द्वारा प्रदान किया जाता है। DGCA द्वारा इस लाइसेंस को प्राप्त कर लेने के बाद ही किसी व्यक्ति को किसी विमान या विमान के इंजन या विमान में लगे हुए अन्य यंत्रों को प्रमाणित करने या उसे ठीक करने की अनुमति दी जाती है। दूसरे शब्दों में कहें तो कोई विमान तब तक उड़ान पर नहीं जा सकता है जब तक कि एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर उससे संबंधित कागजों पर अपने हस्ताक्षर न दे दे। विमान में खराबी आने पर उसकी मरम्मत, कलपुर्जे, इंजनों आदि को बदलने की जिम्मेदारी एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर्स की ही होती है। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में BTech की डिग्री आप कुछ मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेजेस से प्राप्त कर सकते हैं। मैं इनके नाम एक एक कर बता देता हूँ। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT कानपुर, IIT मुंबई, IIT खड़गपुर, IIT चेन्नई, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी क्रोमपेट चेन्नई, मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मणिपाल, दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी त्रिवेंद्रम। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का पाठ्यक्रम 4 वर्षों का होता है तथा फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्र इसकी प्रवेश परीक्षा में बैठ सकते हैं। और ये प्रवेश परीक्षाएँ हैं IIT JEE और JEE एडवांस। ये परीक्षाएँ काफ़ी उच्च स्तर की होती हैं, इसलिए काफ़ी मेहनत तथा तैयारी की आवश्यकता होती है। और मैंने जो आपको कॉलेजेस पहले बताए हैं, उन सभी कॉलेजेस में आप BTech के बाद MTech तथा PhD भी कर सकते हैं। इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलोर में भी आप MTech तथा PhD कर सकते हैं। एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, आइए जानते हैं इसके बारे में। एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया प्रतिवर्ष 2 बार एसोसिएट मेंबरशिप एग्जामिनेशंस की परीक्षाएँ आयोजित करती हैं। इन परीक्षाओं के सेक्शन A तथा B को उत्तीर्ण करने पर BTech एरो के समान ही योग्यता मानी जाती है। इसके आधार पर MTech में प्रवेश लिया जा सकता है। इस परीक्षा को पास करने के बाद संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा प्रसारित नौकरियों या अन्य सरकारी अर्ध सरकारी नौकरियों में अप्लाई कर सकते हैं। एरोनॉटिकल सोसाइटी की परीक्षाएं कुछ ME यानी कि एसोसिएट मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स की परीक्षाएँ जैसी होती हैं, जिसमें सेक्शन A और B में 10-10 पेपर शामिल होते हैं। ये पेपर मैथ्स, साइंस, इंजीनियरिंग तथा एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के अलग अलग विषयों से संबंधित होते हैं। प्रतिवर्ष औसतन 40 से 50 लोग इस परीक्षा को पास करते हैं। एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की परीक्षाओं के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के साथ 12वीं का पास होना या फिर 3 वर्ष का डिप्लोमा होना आवश्यक है। हवाई जहाज़ों की मरम्मत व रखरखाव के लिए DGCA द्वारा जारी किया गया AME लाइसेंस होना आवश्यक है, जिसे कि हम एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर्स लाइसेंस भी कहते हैं। यहाँ तक कि यदि कोई BTech डिग्री होल्डर भी विमान की मरम्मत या रखरखाव का कार्य करना चाहता है तो उसे भी DGCA का AME लाइसेंस प्राप्त करना जरूरी है। ऐसे इंजीनियरों को एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर्स या ग्राउंड इंजीनियर कहते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि DGCA यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी कि महानिदेशक नागर विमानन एकमात्र ऐसी एजेंसी है जो कि AMI लाइसेंस प्रदान कर सकती है। इस लाइसेंस के लिए DGCA द्वारा आयोजित 3 परीक्षाएं पास करना तथा उसके बाद इंटरव्यू क्वालिफाई करना आवश्यक है। ये 3 परीक्षाएं इस प्रकार हैं।
पेपर वन जिसमें कि एयरक्राफ्ट रूल्स तथा रेगुलेशंस होता है, पेपर टू एयरक्राफ्ट जनरल इंजीनियरिंग तथा मेंटेनेंस प्रैक्टिस होता है, और पेपर थ्री एयर फ्रेम या इंजन तथा उससे संबंधित विषय में विशेष पेपर होते हैं। ये पेपर बहुत कठिन होते हैं और इस उद्देश्य से तैयार किए जाते हैं कि इन्हें पास करने वालों को विमान के एक एक कल पुर्जे की जानकारी रहे, ताकि वे स्वतंत्र रूप से विमान की मरम्मत, रखरखाव तथा सुधार का कार्य कर सकें। DGCA द्वारा प्रदान किया जाने वाला AME लाइसेंस हालांकि बहुत कठिनाइयों तथा कई वर्षों की मेहनत के बाद प्राप्त होता है, लेकिन इस लाइसेंस का बहुत महत्व है। इस लाइसेंस को प्राप्त किए हुए लोगों को एविएशन कंपनी में आसानी से नौकरी मिल जाती है तथा उनका वेतन भी बहुत अच्छा होता है। DGCA ने देश के अनेक प्राइवेट संस्थानों को मान्यता प्रदान कर रखी है, जिसके आधार पर भी AME लाइसेंस की परीक्षाओं के लिए संपूर्ण प्रशिक्षण यानी कि रिटेन, प्रैक्टिकल और इंटरव्यू प्रदान कर सकते हैं। इन सभी संस्थानों के पास प्रशिक्षण के लिए छोटे विमान यानी कि वास्तविक विमान तथा इंजन आदि उपलब्ध होते हैं, जिनका होना DGCA द्वारा मान्यता प्राप्त होने के लिए आवश्यक है। ये संस्थान एक प्रकार के कोचिंग प्रदान करने वाले इंस्टीट्यूट होते हैं, जो प्रशिक्षणार्थियों को एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग से संबंधित विषयों का प्रशिक्षण देते हैं, जो 3 से 4 वर्षों तक चलता है। इस प्रशिक्षण के आधार पर प्रशिक्षणार्थी एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं या फिर AME लाइसेंस की परीक्षाओं में भाग ले सकते हैं। DGCA द्वारा मान्यता प्राप्त कुछ प्राइवेट संस्थानों को मैं एक एक कर बता देता हूँ आप लोगों को। स्कूल ऑफ एविएशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नई दिल्ली। हिंदुस्तान एकेडमी ऑफ एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर्स, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। राजीव गांधी मेमोरियल कॉलेज ऑफ एरोनॉटिक्स, जयपुर। VSM एरोस्पेस, बेंगलुरु। इंस्टीट्यूट ऑफ एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर्स, सिकंदराबाद। नेहरू कॉलेज ऑफ एरोनॉटिक्स एंड अप्लाइड साइंस, कोयम्बतूर। हिंदुस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स, भोपाल। एकेडमी ऑफ एरोस्पेस एंड एविएशन, इंदौर, मध्य प्रदेश। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिकल साइंस, कोलकाता। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स, पटना, बिहार। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिकल साइंसेज, जमशेदपुर। लोगों के दिमाग में एक बहुत बड़ी गलतफहमी होती है कि विमानन के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए केवल एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त करना ही आवश्यक है, लेकिन यह बिल्कुल ही गलत तथ्य है। वास्तव में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल्स आदि की भी डिग्री के आधार पर आप एयरलाइन या फिर एरोनॉटिक्स से संबंधित क्षेत्रों में नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। पता करने पर आपको मालूम होगा कि विभिन्न एयरलाइनों के अनेक AME लाइसेंस होल्डर तथा ग्रेजुएट इंजीनियर एरोनॉटिकल इंजीनियर न होकर मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक आदि ब्रांच के हैं। ये लोग एक बार नौकरी में प्रवेश पा लेने के बाद एरोनॉटिकल सोसाइटी की परीक्षाएं उत्तीर्ण करने या DGCA लाइसेंस लेने का प्रयास करते रहते हैं। वैसे यहाँ यह बताना भी जरूरी है कि एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग तथा वैमानिकी के क्षेत्र में प्रवेश का एक बहुत अच्छा विकल्प है भारतीय वायुसेना। यदि इस प्रकार किसी का चयन विभिन्न परीक्षाओं तथा चयन प्रक्रियाओं के माध्यम से भारतीय वायुसेना में हो जाता है, तो वह भी इस क्षेत्र में किसी न किसी रूप में आ सकता है। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करने के बाद आपकी सैलरी कितनी होती है, यही जानते हैं। एरोनॉटिकल इंजीनियर की भारत में सैलरी बाकी किसी फील्ड के मुकाबले कहीं अच्छी होती है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि गवर्नमेंट इंजीनियर की सैलरी सीमित होती है, वहीं प्राइवेट इंजीनियर की सैलरी सीमित नहीं होती है। हम आपको यहां बताने वाले हैं कि गवर्नमेंट इंजीनियर की सैलरी लगभग 30,000 से लेकर 60,000 रुपये तक और प्राइवेट इंजीनियर की सैलरी लगभग 1,00,000 से 2,00,000 रुपये प्रतिमाह तक हो सकती है, यानी प्रतिवर्ष 12 से 15 लाख रुपये के बीच औसत सैलरी अर्जित कर सकते हैं आप। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने जाना एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग और इससे जुड़े कैरियर के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।